कम नाजरीन, जैसा कि पेशन गोई थी कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पहले तो कराची वालों ने उम्मीद ही हटा ली थी कराची वालों ने कि अब बारिश नहीं होगी, तहम अचानक से कराची के करीब नूरियाबाद में बादल बने, जो कि कराची के ऊपर आकर शिद्दत इख्तियार करते हुए थंडर स्टॉर्म बने, जिसकी वजह से कराची में अब तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, कई तेज़ और कई मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसमें मलीर, सादी टाउन, भैरिया टाउन और मलिका इलाके में गुलिस्तान जौहर में भी बड़ी अच्छी बारिश, बड़ी तेज़ बारिश हुई है, जबकि मजीद इलाकों में भी बारिश हो रही है। इसमें गुलशन इकबाल, सदर, मलीर के जो मलिका इलाके हैं, सुपर हाईवे है, वहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश से पहले हमने देखा कराची में ठंडी हवाएं चली और आंधी आई है कराची में, इस कदर देखिए इम्कान वैसे ही कम थे, लेकिन बारिश बचाना खुदा के हाथ में है और इस वक्त भी मेरे इलाके में अच्छी बारिश जारी है। बारिश का सिलसिला मजीद रात तक मजीद फैल जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं गरज चमक भी हो रही है कराची के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में, गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। इस वक्त भी कराची के करीब थंडर स्टॉर्म बनने का सिलसिला जारी है। अगर मजीद बारिश होती तो और कोई थंडर स्टॉर्म कराची के करीब मजीद आता है तो आप लोगों को फाइनल टाइमली अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग इन्जॉय करें रेंट्स, प्री मानसून का स्पेल कराची में बरस चुका है, अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुन ली और प्री मानसून का स्पेल भरपूर तरीके से कराची में बरसा है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब प्री मानसून ऐसा है तो मानसून कैसा होगा। अगर कोई थंडर स्टॉर्म मजीद आता है तो हम आप लोग को अपडेट कर देंगे। वैसे आज मजीद बारिश का भी इम्कान है। तब तक के लिए हाफिज़ हाजी, फिर मिलेंगे, इन्जॉय द वेदर।